कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार, ऐसा बने कि साल भर ना हो खराब और खाने वालों के खाने का स्वाद बढ़ जाए 4 गुना। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपसे कच्चे आम के बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले खट्टे मीठे अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस अचार में जो रस है इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये जो है इसको आप चाट में ऊपर से चटनी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा रस होता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका रस, ये देखिए, ये बिना पानी का है और आम को छीलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कम मेहनत में साल भर चलने वाला आम का खट्टा मीठा अचार। और इसमें चीनी और गुड़ दोनों मिला के बनाने वाले हैं और जो लोग बिगनर्स हैं जिन्होंने कभी भी अचार नहीं बनाया वो भी इस अचार को बहुत ही इजी तरीके से देख करके बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ दादी नानी के हाथों के स्वाद वाला कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। रेसिपी को पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर कर लीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। यकीन मानिए हर आम के सीज़न में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले मैंने कच्चे आम तोड़ लिए हैं, 3 किलो अराउंड आम तोड़ा, उसको रात भर पानी में भिगो के छोड़ दिया और सुबह 1 घंटे के लिए इसको किसी कपड़े पे सुखा लिया है धूप में। आप चाहें तो इसे पंखे पे भी सुखा सकते हैं। रात भर भिगोने से आम की जो गर्माहट होती है वो निकल जाती है, ऐसा हमारी दादी और नानी किया करती थी। अब आम को काटना है तो छीलना नहीं है, यहाँ पे आम को गुठली निकाल के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और आम कट के भी तैयार हो गए हैं। कटने के बाद धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आम जो होते हैं वो कड़े हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा मीठे आम के लिए खड़े खड़े आम को धूप दिखाइए। अब इसे एक गहरे बर्तन में ले लीजिए और अब ये पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने 3 किलो आम काटे हैं, तो 3 किलो आम के लिए हमें चाहिए 5 कटोरी चीनी, छोटी कटोरी से 5 कटोरी चीनी चाहिए यहाँ पर, अगर ये आम ज़्यादा खट्टे हैं तो। अगर खट्टे मीठे से आम हैं तो आप चीनी की मात्रा घटा सकते हैं। बिल्कुल छोटी वाली कटोरी से 5 कटोरी चीनी लिया है, अगर बड़ी कटोरी का इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 कटोरी चीनी लीजिएगा। अब ये चीनी को इसमें डाल दिया। अब जैसा कि मैंने बोला कि खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं तो मीठा तो हमने डाला और खट्टास जो है वो आम की है, लेकिन इसमें नमक की भी ज़रूरत है, तो आधा चम्मच नमक मिला देंगे। नमक मिलाने का कारण ये भी है कि नमक और चीनी जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से ये लिक्विड फॉर्म हो जाता है, मतलब पानी छोड़ देता है। तो आम में चाशनी, मुरब्बे में जो चाशनी बनती है ना, उसके लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आम को पानी में उबालने की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी डाले ये बहुत अच्छे से पानी छोड़ेगा। बस आपको करना क्या है, इसको अच्छे से मिक्स करके ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको 2 से 3 घंटे के लिए, अराउंड 3 घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ दूंगी। ढक के इसलिए क्योंकि ढकने से जो अंदर हीट होता है ना, गर्मी होती है, उससे चीनी और नमक बहुत जल्दी पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब पानी छोड़ देते हैं। तो अब इसको ढक के छोड़ दिया मैंने। अब 3 घंटे बाद मैं आपको इसका पानी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पानी छोड़ करके तैयार हो गया है। अब आधा प्रोसेस तो हमने कर लिया, पानी छोड़ दिया इसमें, अब हमको इसका फ्लेवर बढ़ाना है, यानी कि इसमें फ्लेवर्स के तड़के देने हैं। तो तड़का देने के लिए सबसे कंपलसरी आइटम क्या है कि हमें गैस जलाना होगा और गैस पर हम चढ़ाएंगे एक बड़ी सी गहरी सी कढ़ाई। ये चढ़ा दी मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने का फ़ायदा ये है कि ये अचार साल भर भी ख़राब नहीं होगा, छोंक देने से अचार जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। रिफाइंड को चारों तरफ कढ़ाई में फैला दीजिए, फ्लेम को मीडियम रखिए। और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो रेसिपी के नीचे लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब बटन अगर रेड दिख रहा होगा तो उसको प्लीज़ क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। ये अदरक के टुकड़े हैं जिसको कूट लिया है मैंने और इसको डाल दिया। आप चाहें तो काट के भी अदरक के टुकड़े डाल सकते हैं। अदरक जो होता है वो मीठे अचार का, मुरब्बे का स्वाद बहुत अच्छा करता है, इसीलिए अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करिए और सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। रेसिपी देखते देखते आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब ये अदरक को मिक्स कर लिया, अदरक के फ्लेवर जो हैं ऑयल में आ गए हैं। अब हम बाकी चीज़ें डालते हैं। तो बाकी चीज़ों में सबसे पहले आएगा हमारा पचफोरन। ये है पचफोरन, जीरा, सौंफ,
काला सरसों, मेथी और मंगरेल, ये पांच चीज़ें मिला के बनती है पचफोरन, जिसे मैंने डाला है 3 चम्मच, 3 चम्मच 3 किलो आम के लिए। ये पचफोरन जो है ये बहुत स्वाद बढ़ाता है, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच एक्स्ट्रा कर दिया है, क्योंकि यही जो है ये अचार का मेन फ्लेवर होते हैं। और इसकी खुशबू जब इस ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाती है ना, काला सरसों, सौंफ, जीरा, मंगरेल और मेथी, और ये डाला है इसमें 6 से 7 छोटी इलायची, और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए ताकि ऑयल में इन सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए, इलायची की खुशबू आ जाए, पांचों फोरन का फ्लेवर ऐड हो जाए, अदरक का स्वाद मिक्स हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें जो आम हमारा तैयार हो गया है, पानी छोड़ दिया जिसने, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब तक मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे आप बताइए कि आपको आम की और कौन सी रेसिपी देखनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को नहीं विज़िट किया है तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा, आपको वहाँ पर ढेर सारी यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी भरी वीडियोस मिल जाएगी, चाहे वो कुकिंग की हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपको मेरे चैनल पे कोई ना कोई आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस ज़रूर मिलेगी। और अगर ये प्लेलिस्ट अच्छी लगेगी तो मेरे फैमिली का मेम्बर बन जाइएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अब सारा आम डाल दिया, पूरा उसका पानी जो छोड़ा था वो डाल दिया, और ये मेरे पास छोटे छोटे से गुड़ है वो डाल दिया। अगर आपके पास बड़े ढेले वाला गुड़ है तो उसको कूट करके डाल दीजिएगा, 2 ढेले गुड़। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डाला है, जो चीनी और गुड़ को मिला के जो अचार बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो आप गुड़ मत डालिएगा, चीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, लेकिन चीनी और गुड़ का मिक्स अचार जो होता है ना, वो और ज़्यादा टेस्टी होता है। अब ये गुड़ भी डाल दिया, और ये गुड़ जो है वो गर्माहट से धीरे 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 मेल्ट हो जाएंगे। तो अब इसको ढक देते हैं ताकि भाप से ये गुड़ मेल्ट हो जाए। तो 15 मिनट के बाद देखिए गुड़ मेल्ट हो गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, तो मसालों में सबसे पहले डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि इस मीठे अचार का रंग बहुत अच्छा आएगा। ये डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर 2 चम्मच, और अब इसको मिक्स कर दीजिए। तो मिर्चा, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर, ये 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, हल्दी और मिर्चा बराबर मात्रा में, धनिया और जीरा बराबर मात्रा में। अब इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब आपको पकाते समय क्या ध्यान रखना है, मैं आपको वो बता दूं। जब भी आप मीठे अचार को पकाइए तो प्लीज़ इसे ढक के मत पकाइएगा, क्योंकि ढक के पकाने से ढक्कन पे जो भाप बनेगा वो इसमें चू जाएगा उसका पानी, और इससे क्या होगा, अचार ख़राब हो जाएगा। तो जब भी इस अचार को पकाइए तो इसको खुली कढ़ाई, खुला करके पकाइए, या किसी चलनी से ढक के पकाइए ताकि उसका भाप निकल जाए। और इसको पकने में लगेंगे 30 मिनट, तो धीमे आंच पे इसको 30 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब पक जाएगा तो आप पहचानिएगा कैसे, उसके लिए यह है कि आम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, और उसको छूने पे आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। देखिए आम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं, चाशनी बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी, एकदम बहुत ही अच्छी चाशनी तैयार हुई है, रंग बहुत अच्छा आया 30 मिनट के बाद। और गैस के फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने दीजिएगा, तो ही इसको किसी जार में शिफ्ट करिएगा। तो ये मीठा अचार जो है, आम का खट्टा मीठा अचार तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर होंगे, तो इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, और कैसा बना मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आपको और आपके घर वालों को ये आम का खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद आएगा। ढेर सारे अचार की रेसिपी देखनी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको 50-60 से ज़्यादा रेसिपीज़ आपको अचार की मिल जाएगी, जिसको आप इजी तरीके से बना सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और जाते जाते कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये
आम के अचार की, मीठे अचार की रेसिपी कैसी लगी और आप इसको बना के ट्राई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और आपके घर में आम की कौन सी रेसिपी बच्चे बुजुर्ग सभी पसंद